सरकार कोई भी हो लेकिन वो किसान हितैषी बनने का दावे तो बहुत करती है, लेकिन सरकार के ऐसे दावे सिर्फ कागजों में ही नजर आते हैं। दरअसल सोनीपत के एक किसान के बेटे के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांव शहजादपुर निवासी भगवत दयाल ने अपनी जमीन पर लैंड मॉर्गेज बैंक से लोन लिया था। भगवत दयाल की मौत हो चुकी है और उसकी मौत के बाद जमीन पर ही इंद्रपाल नाम के शख्स ने लोन ले लिया था। वहीं भगवत दयाल के बेटे सुनील का आरोप है कि उन्होंने किला नंबर 26/1 पर सोनीपत लैंड मॉर्गेज बैंक से लोन लिया था, लेकिन इंद्रपाल नाम के शख्स ने 2 यूनियन बैंक से हमारी जमीन पर ही लोन लिया है। गांव से जादपुर है, एक किसान का बेटा हूँ जी। मेरे फादर की डेथ हो गई थी, हम बच्चे थे, तो हमारी जमीन पे, जिस जमीन पे हमारा 30 साल से लोन चला हुआ है, उसी जमीन के फर्जी कागज बना गए। 2-4 साल पहले लोन दे दिया यूनियन बैंक ने। एक साल से मैं तहसील के चक्कर काट रहा हूँ, कोई भी सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की। सब वाई बात है, टला देते हैं अधिकारियों के पास। अगर हम किसी काम के लिए जाते हैं तो सरकारी अधिकारियों को इतना गुस्सा हो जाते हैं, ये आ कैसे गया। ठीक है, टलाने की सोचते हैं, कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है, डॉक्यूमेंट कोई नहीं देख रहा है। लोन किसने लिया, क्या नाम उसका? लोन इंद्रपाल ने लिया है जी। वो कहाँ का रहने वाला है? सोनीपत का रहने वाला है, शहजादपुर गांव का बनकर लोन ले गया है। खरखोदा तहसील कर दी है, पहले कागज पे सोनीपत तहसील, अगले पे कागज पे खरखोदा तहसील है। कोई इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा। किस बैंक ने लोन दिया? यूनियन बैंक सेक्टर 15 ब्रांच ने लोन दिया है। उससे पहले लैंड मॉर्गेज ब्रांच सोनीपत से हमारा लोन चला हुआ था, और हमारा खुद का लोन, जो जमीन पहले से ही बैंक को मॉर्गेज पड़ी है, उसी जमीन पे दोबारा लोन दे दिया गया, फर्जी तहसील, फर्जी निवास स्थान पे। ठीक है, एक साल से चक्कर काट रहा हूँ, तहसीलदार, पटवारी, SDM, गिरदावर, और जो ये यहाँ के पटवार के पटवारी हैं, उसके साथ साथ मैं CTM, हर जगह मेरी एप्लीकेशन दर्ज है जी। आज तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। CM विंडो में मैंने एप्लीकेशन लगाई, झूठा जवाब बना के भेज दिया, कोई कार्रवाई क्या, कोई जाँच नहीं कर रहा जी। ठीक, सरेआम परेशान किया जा रहा है, मेरे साथ मारपीट करी गई, उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं लिया था इंद्रपाल ने। उसको बैंक में जमा करवा दिया कि नहीं करवा गया? नहीं, बैंक में जमा है, बैंक की फाइल है मेरे पास, ये रही बैंक की फाइल। जमा करवा दिया वापस? बिल्कुल, एक ही साल के अंदर उन्होंने वापस लोन जमा करवा दिया गया है, और जमा करवाने के बाद वो लोन आज भी फर्द पे आ रहा है। सबसे बड़ी बात, लोन लिया गया यूनियन बैंक से, फर्द पे दिखा रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया, हर जगह गुमराह किया जा रहा है जी, हर जगह फर्जीवाड़ा है, शिकायत करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है। इस मामले में वो सभी अधिकारियों के पास जा चुका है, सभी अधिकारी जांच तक का आश्वासन नहीं दे रहे हैं, और सभी अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ही उनके साथ ऐसा हुआ। वहीं सुनील का कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो लोग उसकी वाले में ही अपनी जान दे देगा। हर जगह उन्होंने पैसे खिलाए हुए हैं तहसील अधिकारियों को, कोई किसी प्रकार की हमारी सुनवाई नहीं हो रही है पूरे एक साल से। जो फर्द है, हाँ जी, पर अभी बैंक लोन दिखाता है यूनियन बैंक का? बिल्कुल सर, जो 30 साल से लोन है वो लोन नहीं दिखा रहा है बैंक, जो इंतकाल में भी दर्ज है, जो लोन कहीं दर्ज ही नहीं है, उस लोन को फर्द पे दिखाया जा रहा है, बैंक का नाम बदल के, बैंक का नाम बदल के उस लोन को दिखाया जा रहा है जी। ठीक, हमारे कागज सारी जमीन के फर्जी कागज बनाए गए हैं। तहसीलदार से मिले हो? तहसीलदार से मिला हूँ जी। तहसीलदार साहब ये कह देते हैं तू बालक है, तेरे को पता नहीं है, जबकि मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कोई नहीं देखता है जी। ठीक, हर आदमी से, मनोज अहलावत से लेके सुनील पटवारी सबसे बड़ा इसमें शामिल है जी, जो यहाँ पे बैठता है। ठीक, और कोई भी इस बारे में सुनवाई नहीं हो रही है, इसके लिए हम ना रोज चक्कर काट रहे हैं जी। ठीक है, एक दिन इसी कोर्ट में जी वह बात, हमने यहीं पे जान देनी है अपनी, इसी कोर्ट में, कोई सुनवाई नहीं, पूरा एक साल हो गया जी, एक भी विभाग ऐसा नहीं है जहाँ पे मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग ना हो। जहाँ DC को देता हूँ वो तहसीलदार को मार्क कर देते हैं, SDM को देता हूँ वो तहसीलदार को मार्क कर देते हैं, CM विंडो देता हूँ वो इनको मार्क कर देते हैं, और सबसे बड़े चोर तो यहीं बैठे इन्हीं को मार्क कर देते हैं। वहीं जब इस मामले में सोनीपत DC से लेकर सभी अधिकारियों से बात की गई तो सभी ने चुप्पी साध ली, लेकिन इस मामले में आज सोनीपत में पहुंचे परिवहन मंत्री ने कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है, पूरे मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है, और गलती किसी की भी हो, अगर खामी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वो सभी जानकारी दी है शहजादपुर वाले, जो भी उसकी रही है, जिसकी जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और इसकी जानकारी मिली है भी केस कैसे हुआ, उसे अवश्य कार्रवाई। बहरहाल मंत्री जी ने तो इस मामले में जांच कमेटी गठित कर अधिकारी के सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि किसान के बेटे को न्याय कब तक मिलता है। पानीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।